hello students in previous video we have learned how to add the decimal numbers and we are doing the worksheet number 1 question number 2 and we have done uh, till e part of question number 2 so today let us uh, uh, do the remaining parts of this question so worksheet number 1 question number 2 and uh, we are doing the f part right and in this, we have to arrange in column and add. The question is 31.001 plus 13.01 plus 131.1. .1. So, here we have to add the three decimal numbers. Let us arrange these uh, decimal numbers in column first. So, uh, it is 31.01. जीरो जीरो वट आई टोल्ड यू दैट द पॉइंट शुड कम अंडर come under decimal. ये हमें बहुत ध्यान रखना है डेसिमल का और जो जिसका प्लेस है डिजिट का वो उसी के नीचे आना चाहिए जैसे थ्री वन प्लेस में है तो वन्स, वन्स प्लेस में तेन्स, जीरो टेंथ प्लेस पे है एंड वन हंड्रेड प्लेस पे सो हमने so, वैसे ही लिखा है सिमिलरली हेर वन हंड्रेड थर्टी वन पॉइंट वन सो वन हंड्रेड थर्टी वन पॉइंट वन सो इन दिस वे वी हैव टू कीप इट इन माइंड दैट हमारे डेसीमल जो है वो डेसीमल के नीचे आएगा और बाकी सारे डिजिट अपने प्लेसेस के नीचे आएंगे नाउ वी विल एड दीज थ्री डेसीमल नंबर्स एट दम वन वन प्लस जीरो इज अगेन वन वन प्लस जीरो प्लस जीरो इज अगेन वन Decimal niche decimal that is most important. Then 3 plus 1, 4 plus 1, 5. And 3 plus 1, 4, 4 plus 3 is 7 and 1. So the answer is 175.111. Right now, the G part. So in this part, we have 7.8 plus 31.856 plus 0 0.956 now we have to add these three decimal numbers so I'll again arrange these numbers in column so 7.8 decimal will come under decimal and we have to arrange each digit under particular place place here 856 and next is 0. ट आईव टोल्ड यू कि आपका डेसीमल के नीचे डेसीमल आंसर में भी आप पहले भी लगा सकते हैं क्योंकि आना वहीं पर है डेसीमल ना एट दम सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व फाइव प्लस फाइव टेन प्लस वन इज इलेवन एंड नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस एट एटीन एटीन प्लस एट इज ट्वेंटी सिक्स so 2 26 now 7 8 9 10 one carry over 3 plus 1 4 so answer is 40.612 right <clears throat> now uh h part do it yourself not to, today we will discuss the properties of addition of decimal numbers properties properties of Addition of decimal numbers. So, uh, do you remember the properties of addition of whole numbers? Let us revise them. जब हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका और अगर हम उसका जो ऑर्डर uh, है एडेंट्स का उनको हम चेंज कर देते हैं सपोज थ्री प्लस फोर एंड फोर प्लस थ्री द आंसर विल बी सेम सो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं राइट वी हैव ऑलरेडी डन दीज प्रॉपर्टीज इन प्रीवियस क्लास एंड ऑल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर्स एडिशन के जो चैप्टर थे उसमें किया था हमने एंड अन अदर प्रॉपर्टी अगर हमारे पास थ्री नंबर हों सेवेंटीन प्लस फोर्टीन प्लस नाइन सपोज तो अगर इनको भी हम अरेन्ज किसी भी ऑर्डर में कर देते हैं तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट लाइक सेवनटीन प्लस नाइन प्लस फोर्टीन सो so, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है द आंसर विल बी विल रिमेन सेम एड एन हमारे सेम होने चाहिए तो और ऑर्डर चेंज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बीच में इक्वल टू का साइन आ जाता है क्योंकि आंसर यू कैन सी हमारा सेम ही होता है एंड वेन एवर वी एड एनी नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है डेसिमल नंबर की वो भी बिल्कुल सेम है कोई डिफरेंस नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेसिमल की बात करें तो 5.6 पॉइंट सिक्स प्लस थ्री तो आपका इसका सम क्या हो जाता है इनको अगर हम ऐड करेंगे तो जो भी आएगा अगर इनकी हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं एडेंट्स के तो और दोनों का आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा अगर हम इसको ऐड करते हैं ये भी 9.4 आंसर आएगा और इसका भी 9.4 पॉइंट फोर दट वाई हमने क्या लगा दिया है बीच में इक्वल टू का साइन सो एडेंट्स का अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में राइट सिमिलरली थ्री नंबर की अगर हम ग्रुप uh, जो है उनको चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है द आंसर सम विल बी सेम सिमिलरली इफ वी एड एनी डेसिमल नंबर विद जीरो द आंसर विल बी द सेम नंबर इट राइट एंड इफ वी एड जीरो टू एनी नंबर

फाइव पॉइंट नाइन हमारे राइट हैंड साइड में नहीं है सो इट इज मिसिंग सोल राइट फाइव पॉइंट नाइन ऑन द अदर साइड दैट मीनस हमारे जो एड एन है तो वो दोनों साइड को इक्वल टू के सेम होने चाहिए कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए तभी हमारा आंसर सेम आएगा सिमिलरली हेयर 18.69 प्लस डैश इज इक्वल टू डैश प्लस 4.35 सो दोनों साइड्स को एडेंट्स हमारे इक्वल होने चाहिए सेम होने चाहिए एटीन पॉइंट सिक्स नाइन इज ऑन लेफ्ट लेफ्ट साइड को एटीन पॉइंट सिक्स नाइन है तो राइट साइड को भी होना चाहिए सो हेर इज इट इज मिसिंग राइट साइड में फोर पॉइंट थ्री फाइव है तो लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए सो विल राइट फोर पॉइंट थ्री फाइव ऑन द लेफ्ट साइड नाउ नेक्स्ट यहां थ्री नंबर्स को एड कर रहे हैं हम तो द कंडीशन विल रिमेन सेम जो एजेंट्स हैं वो हमारे दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेम होने चाहिए तभी हमारा आंसर सेम आएगा इक्वल आएगा सो नाइन पॉइंट एट प्लस टू वन प्लस एट पॉइंट थ्री सिक्स नाउ अस चेक क्या चीज मिसिंग है हमारे राइट साइड को सो हियर वी है सो वी विल राइट नाइन पॉइंट एट

तो ऑबियसली पहले भी हमने प्रॉपर्टी करी है जीरो से हम किसी चीज़ भी चीज को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर नंबर खुद ही होता है दैट इज सिमिलरली प्लस ये ऑलरेडी लिखा हुआ है अगर इसमें क्या हम ऐड करें कि आंसर हमारा फिफ्टीन पॉइंट जीरो फाइव ही आ जाए सो वट वी विल एड टू फिफ्टीन पॉइंट जीरो फाइव सेम आंसर लाने के लिए क्स्ट जीरो में क्या करें कि हमारा आंसर जो है uh, 79.8 नाइन पॉइंट एट आ जाए तो यू नो जीरो में हम uh, जो एड करेंगे वही हमारा सम होगा राइट right? तो यही हमें इससे जीरो से, से एड करना पड़ेगा दैट इज सेवेंटी नाइन पॉइंट एट सो द प्रॉपर्टीज आर सेम जो हमारी होल नंबर में थी वही प्रॉपर्टीज हम यहां पर डेसिमल नंबर्स में भी लगा रहे हैं एडिशन की

and 3.1 is missing here so we will write 3.1 and the last one is again we have to write the same numbers on the both side so here uh, dash is equal to 3.81 is equal to 15.2 plus dash now here 3.81 is on left side so we have to write this 3.81 on right side also but it is missing over here, so we have to write this 3.81. And here on right side, 15.2 is there, but it is missing on the left side, so we have to write 15.2 on left side also. Now both the addends are equal on both sides. Same and on side 15.2, 15.2, 3.81, 3.81. So uh, these are the properties of addition of decimal numbers. So, uh, in next video, we will discuss the word problems based on uh, the addition of decimal numbers. Thank you.